आप सबका एक बार फिर से वेलकम करती हूँ मैं आपको अपने चैनल पे। और तो आप ठीक ठाक होंगे, हरिये से होंगे, मज़े में होंगे। मेरी तरफ से सबको गुड मॉर्निंग, सुबह है। आज है जी संडे का दिन और मैं आई हूँ छत पे, क्योंकि मेरे दिमाग में एक बात आई है, क्यों ना कि मैं अपने छत पे थोड़ा सा गांव का माहौल दूँ। जैसे कि एक मिट्टी का चूल्हा लेकर आऊँ, चौके पीरे मूरे वो भी ला के रखूँ, मतलब कि पूरा एक देसी माहौल रखूँ। ये मेरे दिमाग में ये सोच आई है। और अभी मैं जाके अम्मी से डिस्कस करती हूँ कि आपकी बेटी ऐसा चाह रही है कि वो थोड़ा सा देसी माहौल दे अपनी छत पे जाके। चले जी, ये तो हो गई डिस्कस वाली बात जो मैंने अम्मी से करनी है। अभी मैं आपको एक बात बताती हूँ कि कुछ लोग इतने ज़्यादा नैरो माइंड होते हैं। दो दिन पहले मैं किसी फंक्शन पे गई, जाने वाले थे थोड़े से दूर के थे, लेकिन उनके घर का जो इन्वायरमेंट था वो थोड़ा मतलब कि मजहबी टाइप तो मैं नहीं कहूँगी, समझे कि पाबंदियों वाला था, क्योंकि इस्लाम को मानना और इस्लाम को फॉलो करना ये दो अलग चीज़ें हैं, उनको एक साथ इकट्ठा करना ये गलत है। इस्लाम तो हमें एक बहुत प्यारा मैसेज दिया है कि हमने किस तरह से लोगों के साथ पेश आना है, अपने बच्चों के साथ किस तरह से रहना है, कि आप अपने बच्चों को सबके सामने डांट रहे हैं, आप अपने बच्चों को मतलब कि एक ऐसी अब्यूज़ लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हो, तो मुझे ही लगता कि आप इस्लाम को फॉलो कर रहे हो। तो बस कहने का मकसद ये है कि इधर उधर के लोग जब आप घर में बुलाते हो, जो पहली घर में दवाइयाँ डलवाते हैं, दाने डालते हैं, घूमते रहते हैं और आप उनकी बातों पे यकीन करते हो, तो अपने अंदर के इंसान को जगाइए, जानवर बनने की ज़रूरत नहीं है। बस कहने का मकसद यही है कि अपने अंदर की इंसानियत को बाहर लेकर आए, जानवर बनने की ज़रूरत नहीं है। और आप इतना गलत बोलते हो तो इस्लाम हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है, तो अपने इन गलत कामों की और गलत बातों की वजह से ना इस्लाम को बीच में मत लाएं। तो चलें जी, आज हम अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, तो मैं आपको लेके जा रही हूँ छत पे, तो आ जाए मेरे साथ। इतना प्यारा प्यारा मौसम हुआ है, बादल छाए हुए हैं और बच्चे इतने ज़्यादा बोल रहे हैं मेरे ब्लॉगिंग में, मैं पता नहीं कहाँ जाऊँ, यहाँ मुझे समझ नहीं आ रही है। मैं ब्लॉगिंग जब भी स्टार्ट करती हूँ ना कोई आ पाट आ शाह सारी आवाज़ें बीच में आना शुरू हो जाती हैं। देखिए जी, धूप कितनी प्यारी है ना। अच्छा, मैं सोच रही हूँ कि मैं इस कॉर्नर पे ना गांव वाला माहौल दूँ, कॉर्नर पे चूल्हा रखती हूँ और उसके बाद क्या करती हैं, लकड़ियाँ भी हैं मेरे पास, वही झाड़ू भी है मेरे पास। आज मैं बना रही हूँ शामी टिक्कियाँ, तो इस टाइम मैं किचन में हूँ और मैंने दाल भी खो के रख दी हुई है, चिकन भी मैंने निकाल दिया हुआ है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं शामी कबाब कैसे बनाती हूँ, आ जाए मेरे साथ। चिकन मैंने निकाल लिया और दाल को मैंने भिगो के रख दिया हुआ है। अब हम दोनों को एक साथ तिली में डालेंगे और बाकी जो मसाले हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ कि मैं कौन कौन से मसाले ऐड करती हूँ जी। अब जाएंगे मसाले, जिसमें होगा प्याज, लहसुन, हरी मिर्चें, अदरक, साबुत सूखा धनिया, पिसा हुआ सूखा धनिया और काली मिर्च। अब हम सारे मसाले शामिल कर देंगे शामी कबाबों में और साथ हम शामिल करेंगे नमक मिर्च अकॉर्डिंग टू टेस्ट। जी अब हम वेट करेंगे बॉयल का, जब बॉयल आएगा तो इसको हम मीडियम फ्लेम में रख देंगे पकाने के लिए। हाँ जी, अब बारी है जी दोपहर के खाने की और मैं बना रही हूँ रोटियाँ और एक तरफ रखे हुए हैं मैंने शामी कबाब, जो मेरी रेसिपी है जो मैं आपको बता रही हूँ, और साथ ही मुझे भाभी ने भेजे हैं चावल और साथ ये चिकन रोस्ट है, तो मैं तो खैर यही खाऊंगी। अम्मी अब्बू के लिए मैं बना रही हूँ जी रोटियाँ। हाँ जी, इसको बॉयल आ चुका है और अब हम इसको पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। आज हम सब ने सुबह नाश्ता किया है पराठा ऑमलेट का, तो तकरीबन 11:30 बजे हमने किया नाश्ता। तो ये मैंने नोट किया है कि मैं जब भी ऑमलेट खाती हूँ ना
तो मुझे एक डेढ़ खाने के बाद ना भूख लग जाती है। आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? ऐसे मैं ही ऐसी अनोखी चीज़ हूँ कि जिससे डेढ़ घंटे के बाद जब मैं ऑमलेट खाती हूँ तब भूख लगती है। तो अभी 1:45 हो रहे हैं और नाश्ता मैंने किया था 11:30 बजे, तो इतना गैप नहीं है। मोस्टली जब मैं कोई और सुबह नाश्ता करती हूँ तो मुझे भूख नहीं लगती दोपहर को, लेकिन पता नहीं ऑमलेट खाने के बाद ही मुझे भूख क्यों लगती है। अगर ऐसा आपके साथ भी होता है तो आपने मुझे बताना है। तो रोटियां भी मेरी पक चुकी हैं, खाना मैं लगाने लगी हूँ। आपने खाना है तो आप भी खा लें, मेरे साथ खाना है तो मेरे साथ आ जाएं, मैं मिलती हूँ खाना खाने के बाद। तो चलें जी, यहाँ पर दाल हो गई है ठंडी, अब हम इसको करेंगे मैश। और इसके बाद इसमें शामिल होगा जी हरा धनिया, गरम मसाला, और फिर हम इसकी बनाएंगे टिक्कियाँ। तो जी टिक्कियाँ भी बन गई हैं और अब हम करेंगे फ्राई। और इसमें मैं शामिल करूंगी थोड़ी सी काली मिर्च। कबाब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और मैं इसे खाऊंगी धनिया की चटनी के साथ। आपको पुदीने की चटनी पसंद है, दही पसंद है, केचप पसंद है, इट्स टोटली अप टू यू, जैसे आपको पसंद है आप खाएं। बहुत ही सिंपल और इजी मेरी रेसिपी होती है, आप इसे बनाएं और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ऐसे मेरे मज़े मज़े क्या वीडियोज़ देखें, मेरे ब्लॉग देखिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे दोबारा एक नई रेसिपी के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।